नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मच अवेटेड फिल्म, मेगा बजट मूवी, बहुत ज्यादा जिस फिल्म की हाइप है वो है ब्रह्मास्त्र। और ये फिल्म रिलीज हो रही है 9 सितंबर को। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित, काफी अमेजिंग स्टार कास्ट इस फिल्म में, अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी राय, नागार्जुन। तो दोस्तों, इस फिल्म का एक छोटा सा एक टीजर आज जारी किया गया है और उसी के बारे में आज का वीडियो है कि टीजर में दरअसल बताया गया और टीजर है कैसा। तो दोस्तों, टीजर में ये बताया गया है कि इस फिल्म का एक नया सॉन्ग देवा देवा 8 अगस्त को रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बारे में ये टीजर था कि 8 अगस्त को आप इस फिल्म का एक नया गाना देवा देवा देख सकते हैं। और दोस्तों, जो टीजर जारी किया गया उसमें आपको रणवीर कपूर तथा आलिया भट्ट दिखाई दे रहे हैं। रणवीर कपूर आलिया भट्ट को कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट के बारे में, कि किस प्रकार से आदमी मतलब लाइट प्राप्त कर सकता है, प्रकाश प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मतलब वो ज्ञात कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, कैसे उसकी खोज की जाती है, इसके बारे में कुछ स्टार्टिंग में रणवीर कपूर कहते हुए नजर आते हैं। और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं, रणवीर कपूर इसमें एक अग्नि अस्त्र के रोल में है, मतलब वो खुद अपने आप में एक अस्त्र है। पूरी फिल्म ही अस्त्रों के बारे में, भारतीय जो माइथोलॉजी है, भारतीय जो पुराणिक जो वेद है, उपनिषद है, उनसे ये फिल्म ली गई है। और किस प्रकार से उस जो पुरातन काल की स्टोरी है उसको किस प्रकार से आज के आधुनिक संदर्भ में पेश किया जाता है, किस प्रकार से कितनी तरह के अस्त्र होते थे और सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र होता है, इसके बारे में ये फिल्म है। रणवीर कपूर शिवा के किरदार में, जो भगवान शिव का नाम है, भगवान शिव से प्रेरित है। वहीं आलिया भट्ट का नाम ईसा है, जो माँ पार्वती के नाम से प्रेरित है। तो दोस्तों, स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ट्रेलर काफी पसंद आया, विजुअल्स बहुत बेहतरीन है, वीएफएक्स का इस्तेमाल जबरदस्त है, अयान मुखर्जी ने एक नया यूनिवर्स रचा है उसके बारे में ये फिल्म है, जो लोगों में उत्सुकता तो जगाती है, साथ में फिल्म की हाइप भी बहुत ज्यादा है। फिल्म को किस तरीके से बनाया जाता है देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जो टीजर आ जाए उसमें रणवीर कपूर का परफेक्ट लुक नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से विजुअल्स दिखाए गए इसमें, जिस प्रकार से वीएफएक्स का यूज किया गया है, जिस प्रकार से उनको आग के साथ खेलते हुए दिखाया गया है, मतलब जो अग्नि के जो दृश्य है वो रणवीर कपूर के साथ बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। और जो एक टीजर में थोड़ा सा जो गाने की झलक सुनने को मिलती है, देवा देवा अरिजीत सिंह ने गाया गाने को, बहुत बेहतरीन लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। और विजुअल्स भी बहुत बेहतरीन है, अरिजीत सिंह की आवाज तो आप जानते ही है, कमाल की है, मधुर आवाज है और काफी अच्छा अंदाज रहता है उनके गाने का। तो कुल मिलाकर के गाना अच्छा लग रहा है, ये पूरा गाना आप 8 अगस्त को देख सकते हैं, इसी के बारे में मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।